हमारी वीडियोस में कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है। अच्छा, कई बार क्या बहुत सारे लोग यूट्यूब पे ज्यादा व्यूज पाने के लिए वो स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। स्क्रिप्ट का मतलब होता है दोस्तों कि कोई टीवी में फॉल्ट अपनी तरफ से डाल दिया, उसके बाद सबके सामने ठीक करके दिखा दिया। या, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जिस तरह कोई मदारी का खेल है, एक बंदा खेल दिखा रहा है और लोग बैठे हुए देख रहे हैं, तो इस तरीके की जो स्क्रिप्ट होती है ये ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, लोगों को अटैक करने के लिए भी करते हैं। लेकिन कोई भी टीवी जब हमारे पास ठीक होने आता है, हमें तो पता ही नहीं होता कि उसके अंदर प्रॉब्लम हमें क्या मिलेगी, क्या खराब मिलेगा। हाँ, ये जरूर पता होता है कि सेक्शन का है। अब उस सेक्शन में जाकर के उस फॉल्ट को ढूंढना तो हमें पड़ता है ना, वो तभी ढूंढ पाएंगे जब हमें उसका रास्ता पता होगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। हमेशा की तरह इस बार भी मैं आपके लिए एक एलईडी टीवी रिपेयरिंग के टॉपिक के ऊपर एक वीडियो लेके आया हूँ, और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा, हमको सिखा दिया है कि अगर आपकी शॉप पे वाइड डिस्प्ले की कोई प्रॉब्लम लेकर के कोई टीवी आता है तो उसे आपको कैसे ठीक करना है। तो हमारे पास यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं एक वाइड डिस्प्ले की प्रॉब्लम यहाँ पर इस टीवी में यहाँ पर आई हुई है हमारे पास। तो हमने सोचा कि क्यों ना हमारे YouTube के दर्शक जो हैं और जो YouTube के माध्यम से हमसे कुछ ना कुछ सीखते हैं तो उनकी नॉलेज बढ़ाई जाए, उनको भी सिखाया जाए। क्या सोच है रे तेरी कि ये वाइट डिस्प्ले का फॉल्ट जब आता है तो हम इसमें क्या चेक करते हैं और कैसे इसे रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो ये टीवी आप देख रहे हैं, इस टीवी में आप यहाँ दिखाना एक बार, ये अपना मेन बोर्ड तो आप जानते ही होंगे। नहीं, ये इसका टीकोन बोर्ड है दोस्तों, छोटा सा टीकोन बोर्ड है इसका, और ये इसकी स्केलर पीसीबी है। ठीक है, तो ये स्केलर पीसीबी है दोस्तों, और वाइट डिस्प्ले जैसा कि मैंने अभी आपको इसमें दिखाया था। तो हम इसको कैसे चेक करते हैं, तो वाइट डिस्प्ले जब भी कभी किसी टीवी में आ जाए तो सबसे पहला काम तो हमारा यही होता है कि हम पैनल की बेसिक वोल्टेज चेक करें, क्योंकि वाइट डिस्प्ले VGH की वजह से भी हो जाती है। यानी बेसिक वोल्टेज से मतलब है मेरा दोस्तों, आप जानते ही होंगे, VGH, VGL, AVDD, VDD और VCOM। तो अगर ये सारी वोल्टेज बिल्कुल ओके हैं, या फिर मान के चलें सारी वोल्टेज ओके है, VCOM वोल्टेज ओके नहीं है, वो हमें नहीं मिल रही है, तो ये वाइट डिस्प्ले का फॉल्ट उसकी वजह से भी हो सकता है। लेकिन अधिकतर दोस्तों क्या हम देखते हैं कि जब VCOM वोल्टेज का फॉल्ट होता है ना, तो जो ये ग्राफिक्स जो आप ये वाइट डिस्प्ले देख रहे हैं ना, इस पर हल्के कुछ ग्राफिक नज़र आ रहे होते हैं, दिखाई दे रहे होते हैं हल्के हल्के से ग्राफिक्स। लेकिन यहाँ पर दोस्तों कोई भी हल्का सा ग्राफिक नज़र नहीं आ रहा, ये मान के चलो कि 100 में से 2-3% अगर कोई चित्र दिखाई दे रहा है हल्का हल्का, तो हम मान लेते हैं भाई VCOM वोल्टेज का फॉल्ट ये हो सकता है। तो VCOM वोल्टेज क्यों नहीं बन रही है वो हम चेक करते हैं फिर। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये टीवी आया हुआ है इसके अंदर क्या फॉल्ट है, या जो आपके पास आएगा उसमें आपको क्या करना है। तो दोस्तों पहले तो VCOM वोल्टेज ही आप चेक कर लेना, अगर वो नहीं बन रही है या बनने के बाद भी वाइट पिक्चर आ रही है तो दूसरा काम आपको ये कर लेना है, सीधा गामा एसी के पास जाना है और उसे हाथ लगा के देख लेना है। क्योंकि 99% केस में क्या होता है दोस्तों, 99% केसों में क्या होता है कि अगर वाइट डिस्प्ले अगर आ रही है, सारी वोल्टेज ओके हैं, तो गामा एसी खराब होती है। और गामा एसी जब भी खराब होती है तो उसे चेक करना बहुत ही सरल है, बस आपको उसे छू के देखना है। क्योंकि ज़्यादातर ये एसी खराब होती है ना तो गर्म होने लग जाती है, तो गर्म हो रही है यहाँ पे एक आईसी जो कि इसकी गामा आईसी है। तो कैसे हमने चेक किया उसको, तो देखिए हम तो छू करके चेक कर सकते हैं, ठीक है, और सुशील भी छू के चेक कर सकता है, पहले भी इसने 2-3 चीज़ें छू करके चेक करी हुई हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। लेकिन आप कैसे छू के चेक करोगे वीडियो में, तो इसीलिए आज हम एक हथियार लेके आए हैं, एक औजार लेके आए हैं, और ये क्या करेगा, रोजन पेस्ट का धुआं बनाएगा, वो तो आयरन से भी बना सकते हैं। तो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इसकी जो गामा एसी है वो हीट हो रही है या नहीं हो रही है, और उसके बाद हम इस आईसी को चेंज करके भी आपको बताएंगे कि क्या इससे फॉल्ट रिपेयर हुआ। हमने नहीं पता कि इससे ये फॉल्ट रिपेयर हो जाएगा या नहीं, लेकिन हमारा जो पहला स्टेप है वो तो यही रहेगा कि जो आईसी गर्म हो रही है उसको पहले बदल के देखें। तो उसके लिए देखो हम यहाँ पर ये एक स्केलर मार्केट से लेके आए हैं,
तो हम चाहते तो नई आईसी भी लेके आ सकते थे, आईसी अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन क्या है कि ये थोड़ा सस्ता पड़ता है, पैसा ही पैसा हो गया, और आईसी ओरिजिनल होती है इसमें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो टीवी वो करते हैं ऑफ, ये टीवी ऑफ हो गया है, लाल बत्ती यहाँ पर, अरे फिर से ऑन हो गया टीवी, इसको दोबारा ऑफ कर देते हैं, ये लो जी ऑफ हो गया टीवी, लाल बत्ती यहाँ पे आ गई है, ठीक है। अब इसको कर देते हैं साइड, और अब हम गामा आईसी के ऊपर धुआं लगा के आपको बताएंगे। दोस्तों इसका फॉल्ट कुछ और भी हो सकता है, यानी गामा आईसी को बदलने के बाद अगर गामा आईसी हीट करना बंद कर दे तो हो सकता है कि प्रॉब्लम कुछ और भी हमें मिले इसके अंदर, ऐसा ज़रूरी नहीं है इसी से हो जाए, तो वो हमें बदलने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि पैनल रिपेयरिंग करना जो है इसे वही कर सकता है जिसके पास पूरा रास्ता हो, जिसके पास पूरा सिस्टम उसे पता हो, पैनल की वोल्टेज वगैरह, पैनल में आईसीयू की पहचान अगर उसे है, आईसीयू के काम अगर उसे पता है, तो वही पैनल रिपेयर भी कर पाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये हथियार तो फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा। तो सबसे पहले इसमें धुआं इकट्ठा कर लेते हैं, इससे बढ़िया तो आयरन ही हम यूज कर लेते, रोजन पेस्ट में डुबा करके वो जल्दी काम कर देता, क्यों सुशील जी? तो यहाँ पर धुआं इकट्ठा तो हो रहा है, भाई ये धुआं तो बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है इस पे, थोड़ा सा चिपक गया है। हुआ भाई तब इतना नहीं हुआ, हो गया पहले से ज़्यादा जी सर, हो गया ना। तो हमें ऐसा लगता है कि हम ऐसे करके इसको गर्म कर रहे थे, तो हमें डायरेक्ट ही ऐसे करके हमें करना है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, डायरेक्ट ही ऐसे करके करना है, उससे ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पर मिलेगा। हाँ थोड़ा सा वाइट हो गई है, दिख रहा है ना उसमें, तो अब आप यहाँ पे फोकस करना, अब मैं टीवी को करूँगा ऑन, तो टीवी ऑन हो गया दोस्तों, अब देखना आप यहाँ पर ये वाइट से एकदम कैसा हो गया, ब्लैक हो गया, ये वाइट से ब्लैक हो गया। आपको एक और टेक्निक दिखाता हूँ, रोजन पेस्ट से भी बढ़िया दिखाऊंगा आपको मैं। ये देखो पेस्ट है, ये पास लाके दिखाओ ना, इतनी दूर कौन चले गए। अब ये पेस्ट में, ये टीवी ऑफ हो गया, इसको ऑन कर लेते हैं पहले, ये टीवी ऑन हो गया है, और दूसरा तरीका आपको दिखाएंगे। ये पेस्ट है, अगर ये आईसी गर्म हो रहा होगा तो इस पर लगाते ही मेल्ट हो जाएगी,
हो गई। देखो दोस्तों पेस्ट एकदम मेल्ट हो गई यहाँ पर, तो ये आईसी हो रही है हीट और ये है गामा आईसी। और अब हम ये आईसी बदल के देखेंगे। सबसे पहले टीवी को ऑफ कर देते हैं। रोशनी कम आ रही है इस तरफ। ये आईसी हमने निकाल दी है, ठीक है, और अब दूसरी आईसी हम लगाएंगे। वीडियो थोड़ी सी साफ नहीं बन रही ना इसकी, कोई बात नहीं, लेकिन तुम कोशिश करते रहना। तुमने लाइट इधर नहीं रखी ना, इसलिए तो वाली इधर इधर रखनी चाहिए थी, पर अब मत रखो, अब वीडियो काटनी पड़ेगी नहीं तो। तो ये आईसी लग गई है एकदम परफेक्ट। इसके सूखने का, सॉरी ठंडे होने का इंतज़ार करेंगे। यहाँ पर आईसी हो गई है ठंडी, और अब हम डायरेक्ट ऑन करके ही देख लेते हैं कि क्या होता है। देखो डिस्प्ले अभी भी प्रॉब्लम है। अरे अरे आ गई, नो सिग्नल। तो टीवी हमारा दोस्तों बिल्कुल ओके हो गया है। स्टार्टिंग में क्या था कि पिक्चर नहीं आई थी, तो हमें लगा कि भाई अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन अचानक नो सिग्नल हमें दिखाई दिया और इससे पता चल गया कि टीवी हमारा ओके हो गया। तो यहाँ पर जो आईसी है हमने जो चेंज किया है वो हीट नहीं हो रही है। रोशनी जो है ना बहुत कम दिख रही है भाई, आ रही है, अगली बार ध्यान रखना भाई। ठीक है। तो गामा आईसी को चेंज करने के बाद ये फॉल्ट आपने देखा कि बिल्कुल रिपेयर हो गया। और वीडियो को हमने बीच में नहीं काटा, क्योंकि कई बार कुछ लोग सोचते हैं कि भाई वीडियो में कोई कटिंग की गई है, ये प्रॉब्लम कहीं और से ठीक हुई होगी, सर ने शायद कहीं और से दिखा दी। या, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाइड डिस्प्ले में
अगर आपको गामा आईसी गर्म होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ज़्यादातर केसों में क्या होता है, गामा आईसी खराब होती है ना, तो वो गर्म होती है, तो आप उसे छूकर चेक कर सकते हैं और आईसी आप बदल करके उस पार्ट को 100% रिपेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दिए गए ज्ञान के बदले में आपको पता है क्या करना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है अगर नहीं किया है तो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी आपको करना है, ताकि आगे भी भाई मुझे और वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिले, मैं भी सोचूं कि भाई जो लोग सीखने आ नहीं सकते उनको वहीं पे सिखा दें, घर बैठे हुए या दुकान पे बैठे हुए, ठीक है, आपके पास भी फॉल्ट आ जाए तो आप ऐसे रिपेयर कर सकें। तो आपको अगर देखो सीखना है शुरू से लेकर आखिरी तक, मैं ये नहीं कहता कि भाई मेरे पास ही सीखो, हाँ, लेकिन जानकारी आपको पूरी लेनी चाहिए, उसके बाद उसी रास्ते को फॉलो करते हुए किसी भी फॉल्ट को आप जब रिपेयर करने जाओगे तो उसकी ठीक होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आपको हमारे ऐसे सीखना है राज इंस्टीट्यूट से, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग सीखना है तब भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। दोनों ही ट्रेनिंग बहुत आसान तरीके से हम सिखाते हैं, हमारी कोशिश रहती है आसान से आसान आपको सिखाएं। तो ये वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट में भी दोस्तों ज़रूर बताना हमें, ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में।